हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीच में झलक दिखलाजा शुरू होने से पहले न्यूज़ आया था कि संभावना सेठ को झलक दिखलाजा के लिए अप्रोच किया गया है, बट ऐसा क्या हुआ कि आज लॉन्च पे संभावना सेठ नहीं पहुंची। यस गाइस, सच ये है कि कलर्स टीवी के मेकर्स नहीं चाहते शायद कि संभावना सेठ फिर से किसी भी डांस शो में आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर संभावना सेठ आए तो डांस शो तो जीत के ही रहेगी और बाकी जो कंटेस्टेंट है उनको भी अच्छे से सबक सिखाएगी और कांटे की टक्कर देगी। इसलिए उनके कलर्स फेसेस को जिताने के लिए, उनके फेवरेट्स को जिताने के लिए मेकर्स इनको बुलाना ही नहीं चाहते और ना ही संभावना सेठ को मेकर्स अपने शो में चाहते हैं। यही है उनकी सच्चाई, उनको तो सिर्फ अपने कलर्स के फेस को जिताना है। बार बार आपने देखा बिग बॉस में जो है वही रूबीना दिलायक कलर्स टीवी के रियल खतरों के खिलाड़ी में थे और अब वही इधर भी है। तो यही है इनका पार्शियलिटी, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ऊपर ही डिपेंडेंट होता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, किसके साथ क्या करना है किसके साथ क्या नहीं करना, किसको कब शो से निकालना है किसको कब शो में वापस लाना है, किसको जिताना है किसको फर्स्ट रनर अप बनाना है। बस हम सब लोगों को पता है कि संभावना सेठ कितनी टैलेंटेड है और अगर वो शो में आती तो ये ट्रॉफी तो उन्हीं की नाम होती। तो अगर वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और आपका राय क्या है इस न्यूज़ पर वो भी कमेंट सेक्शन पर बताना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।